थोड़ी सी कच्ची चीज खराब है हम कर वाला सीन मॉर्निंग आप सबको, कैसे हो आप सब? बड़ा बढ़िया। तो मेरा नाम अंकित, बेस्ट वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं निकल चुका हूँ सुबह सुबह, अभी बज रहे हैं 6:30। सो मैं आज जा रहा हूँ अनोल्डी से थोड़ा सा आगे, मेरे घर से अराउंड 70-80 किलोमीटर पड़ता है वो देवल सारी टाइम में। बस आज निकल चुके हैं अपने एक नए खूबसूरत से सफ़र में। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सीधा निकलता हूँ, आप लोगों को मिलता हूँ सीधा पहाड़ों के बीच में, वहां से दिखाएंगे आप लोगों को कैसा है रास्ता। तो चलो सारा। सो गाइस, हम नियर अबाउट दनोल्टी के पास में है और यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट टर्न एक कच्चे से रास्ते के लिए। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो बड़ा भयंकर रास्ता है यार। आई होप सो यहीं से गया रास्ता, मतलब हाँ गूगल मैप तो यहीं से दिखा रहा है। बाकी चलो देखते हैं चल के। ओ भयंकर, ये कितनी धूल उड़ाते हुए जा रहे। और यहाँ से समथिंग अराउंड 30-40 किलोमीटर दूर है हमारी लोकेशन। ओ माय गॉड, काफ़ी अलग सी रोड है यार यहाँ पे, तो रोड बहुत भयंकर वाली लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई इतनी ज़्यादा क्यों पहाड़ पूड़ काट रहे हैं, ये ऐसे रोड चौड़ी करने के प्रोसीजर चल रहा है। तो उसकी वजह से पूरी रोड खराब हो रखी है। देखिए रोड में गड्ढा, रोड थोड़ी सी कच्ची है, खराब है। मेरा बहुत सही डिसीजन था यहाँ पे स्कूटी से मैं आने का। सो लेट्स ओके, अब सही आ गई है रोड साफ सुथरी। सो गाइस, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, कुछ ऐसा ही ये प्यारा सा नज़ारा। और यहाँ पे हमें थोड़ी सी धूप मिली है तो हम थोड़ा सा रुके हैं, क्योंकि देर में आजकल थोड़ी सी गर्मी हो गई है, तो मैं उसके हिसाब से थोड़ा सा कम कपड़े पहन के आया था, जैकेट पहनी है, बट हवा लग रही थी हाथों में, ठंडा लग रहा है बस, तो वही थोड़ा सा थोड़ी देर बॉडी गर्म करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में लाते हैं थोड़ी देर, फिर निकलते हैं आगे अपना देवलसारी टेम्पल, गोणेश्वर महादेव मंदिर। सो चलो मिलते हैं गाइस आप लोगों को आगे। सो गाइस, अभी मैं रुक चुका हूँ एक सुंदर से व्यू पॉइंट पे, बहुत प्यारा सा है। सो वहाँ पे मैं रुका हूँ और पीछे मेरा आप चेक कर सकते हैं, सनराइज़ हो रखा है अभी, और पीछे का बहुत खूबसूरत सा व्यू आप लोगों को दिख रहा होगा। सो बस यहीं से चलते हैं आगे आगे ये वापस। थच्चूड़ जाना है हमको 16 किलोमीटर। सो चलो देखते हैं अंकल, यार कितने प्यारे प्यारे गांव हैं वहाँ पे, बस रोड नहीं अच्छी यार। तो गाइस अभी मैं जा रहा था रास्ते से, तो मेरे को एक बहुत भयंकर स्कूटी दिखी है, पूरे पिचके भी है भयंकर। सो ये मेरे को स्कूटी दिखी, मैं अभी यहाँ से जा रहा था, कैमरा मेरा बंद था उस टाइम, और भयंकर ही पूरी कुचल रखी है, पूरी पिचक रखी है भयंकर की स्कूटी, सब कुछ अलग हो रखा है इसका, सब कुछ आगे टायर का रिम तक टूट रखा है, बस टायर्स ठीक है। भयंकर वाला सीन हो रहा, हीरो की डेस्टिनी, हाँ डेस्टिनी 125 है, नई गाड़ी है, हाँ BS3 है शायद से,
अंकल नई गाड़ी और पूरी पूरी पिचक रखी है पूरी। अच्छा जेसीबी ने पिचका रखी है अंकल, ये पता नहीं क्या सिस्टम हुआ इसका, पूरी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो चलो कोई नहीं, हम अपने चलते हैं आराम से वापस अपने सफर में, दिखाते हैं आपको आगे और क्या क्या दिखता हमें। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट एरिया है आपका, सो यहाँ से हमें जाना है सीधा तटियोर के लिए। चिल वाइब्स मैन, पहाड़ों की चिल वाइब्स, अमेजिंग। अब आई डोंट नो हमें को कितना आगे जाना है। ओए होए कितने प्यारे लग रहे हैं पेड़, यहाँ पे बहुत सारे हैं यार ऐसे कलर के पेड़। ये कुछ होता है शायद से, हाँ यस पता नहीं होता है, अगर कुछ होता है तभी तो है इस दुनिया में। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मतलब कुछ खाने का होता है, उसको खोल के कुछ उसके अंदर बीज निकलता है, वो खाते हैं शायद, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो। ये दूसरी वाटर क्रॉसिंग, मैं नदी के पास में आ गया। 32 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 32 किलोमीटर बाद मेरे को अपनी लोकेशन पे जाना है। शुक 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 शुक। और अभी ये हमारी क्या है, टेस्ला, टेस्ला बाइक, टेस्ला की न्यू बाइक ऑटोमेटिक जाती है, ऑटोमेटिक बैंड्स लेती है, बस ज़्यादा बैंकर बैंड्स नहीं ले पाती ऑटोमेटिक। तो ये हमारी टेस्ला बाइक अपने आप छोटे मोटे बैंड ले लेती है, बस थोड़ा बहुत कभी कभार डिसबैलेंस भी हो जाती है, बैलेंस करते करते ना। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। I think so. We have entered 30 wood. Yes. So 30 wood से आगे निकल चुके हम। ओह माय गॉड, देख सकते हम नांगर पीक से एकदम नीचे आ गए। सो गाइस ये चेक करिए यार, कितना तो प्यारा सा है भयंकर, छोटा सा पुल है उधर साइड, गांव है नीचे, नदी जा रही है भयंकर। वो पीक से मैं यहाँ पूरा नीचे नदी के पास में आ गया हूँ, अभी शायद से फिर से मेरे को ऊपर चढ़ना है। बहुत सही जगह यार, रास्ता बहुत सही है, मतलब रास्ते के नज़ारे बहुत सही है। तो ऐसा लग रहा है लद्दाख आ गया हूँ मैं, अगर इस साइड में चल रहा हूँ और उस साइड प्यारी सी वैली। भाई देवल साड़ी के लिए गई है, पता नहीं कौन सी गुफा में आ गया हूँ मैं भयंकर। सीरियसली ऐसी लग रही है जैसे गुफा में आ गया हूँ मैं कोई।
आई डोंट नो मैं कहाँ पे हूँ, इस रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी। देवल सारी यहीं से कितने किलोमीटर होगा? 2-3 किलोमीटर होगा, वहीं तक गाड़ी रोड पर। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। आई एम सो लकी मैन, उत्तराखंड में पैदा होके, उत्तराखंड इज लव मैन, सो मच ब्यूटीफुल। चल वाइब्स मैन, पहाड़ों की खूबसूरत। ये आ गए सारे जो चीड़ के पेड़ होते हैं, चीड़ के ही है। सो गाइस फाइनली काफी ऑफ रोडिंग के बाद आई एम here at my place, at my location। अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं। सो यहाँ सब अब हेलमेट उतारते हैं और चलते हैं ट्रैकिंग करते हुए जहाँ हमें जाना है। ओके सो गाइस, अब हम बहुत चला लिया यार गाड़ी, 70-80 किलोमीटर देहरादून से कम नहीं होता। सो अब हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी अपनी और यहाँ से कुछ अराउंड 600 मीटर का ट्रैक है सॉरी, और चल रहे हैं यहाँ से, देखते हैं कैसी है अपनी लोकेशन। बस चलो देखते हैं। लोकेशन पे और पीछे हमारे खूबसूरत से लोकेशन, और बस दिखाते हैं आपको कुछ शॉट्स वहाँ के, आप लोगों को दिख रही होगी बहुत खूबसूरत सी जगह यार, बहुत प्यारी जगह। सो बस दिखाते हैं आप लोगों को जगह। ओके सो गाइस चेक दिस आउट, सो दिस इज़ द लोकेशन जहाँ मेरे को आना था और यही है वो लोकेशन, और यहाँ पे हम लेते हैं कुछ सिनेमैटिक्स और आप लोगों को दिखाते हैं ब्यूटी ऑफ दिस लोकेशन।
होप सो आप लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखा होगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा यहाँ के नज़ारे तो ऑब्वियसली अच्छे लगे होंगे, बट मेरा वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। और प्लीज़ यार लाइक करना मत भूलना एंड डोंट प्लीज़ फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड गाइस किसी को भी यहाँ पे आना होगा तो मैं लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग आ सकते हैं, बहुत प्यारी जगह है, बहुत पीसफुल जगह है और रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा ख़राब है बट काफ़ी अच्छा है। बाकी मैं अब वापस जा रहा हूँ, अपनी ट्रैकिंग ख़त्म करता हूँ और फिर गाड़ी उठाता हूँ, सीधा घर निकलता हूँ। काफ़ी दूर है यहाँ से घर मेरा, तो यहाँ पीछे कुछ ऐसे नज़ारे हैं और इसी खूबसूरत नज़ारों के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।